स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे वुमेन्स एजुकेशन के वोकैबुलरी पार्ट की। हम लोगों ने लास्ट जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सब का कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर और वोकैबुलरी। आज हम लोग वुमेन्स एजुकेशन के वोकैबुलरी पार्ट की बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, जो अलग अलग चार लेसन से अलग अलग आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक काम, वो है क्या कि आपको ऑप्शन देखकर फिल करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स मोड में वो होगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, चार नंबर है, क्योंकि हम लोग अपना टाइम पूरा एसे और एप्लीकेशन और हिंदी टू इंग्लिश सब चीजों में करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे सामने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। चार ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए होंगे, आपको उसमें से एक फिल कर देना है, चार नंबर आपकी जेब में। तो वो चार नंबर मैं जाने नहीं दे सकता और आपसे कहूंगा कि आप भी जाने मत दीजिए। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वुमेन्स एजुकेशन के बारे में। मैंने ऑलरेडी इसकी हिंदी बताई है, हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका दिया है, तो आप उसको जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन है कि द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज, यानी जो एक प्राकृतिक गुण होता है औरतों में, महिलाओं में, वो है क्या। तो भाई वो है क्या, तो उसके बारे में कि इनडिफरेंस होती है, यानी ये कभी भेदभाव नहीं करते, उपेक्षा नहीं करते या करते हैं। चार्म यानी आकर्षण या सुंदरता, सेल्फिशनेस खुदगर्जी, या कॉम्पैशन यानी दया। अब यहां पर बात यह है कि सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है महिलाओं और औरतों में वो होती है दया। दया का भाव जितना महिलाओं में मिलता है, औरतों में मिलता है, उतना पुरुषों में नहीं मिलता है। इसलिए आप देखिए कि हर वो निर्दयी कार्य जो हुए हैं हमारे इतिहास में या हमारे सामने जो होते हैं, वो अक्सर पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। मैं यहाँ पर पुरुषों को डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, जो पुरुष प्रधान है यानी जो पुरुष इसको देख रहे हैं वो परेशान ना हो भाई, लेकिन करे तो क्या करे, यहाँ पर क्वालिटी ही कुछ ऐसी दे दी गई है कि कॉम्पैशन हमें करना ही पड़ा। तो कॉम्पैशन का यानी मतलब होता है दया, इनडिफरेंस यानी उपेक्षा, चार मींस आकर्षण, सेल्फिशनेस यानी खुदगर्जी, और कॉम्पैशन यानी दया। अब बात यहाँ पर एक चीज ये है कि कुछ लोग जो उपेक्षा से मारे हुए होंगे, कुछ लोग जो खुदगर्जी में परेशान हुए होंगे, है ना, वो सारे लोग इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखते होंगे, लेकिन क्या करें भाई, है तो है, इस पे कर क्या सकते हैं। तो कंपैशन का मतलब होता है दया, जो सबसे बेस्ट और नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन होता है। अगला वर्ड है कंपैशन यानी दया इज द क्वालिटी, एक ऐसा गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बहुत ज्यादा पाया जाता है देन ऑफ वुमेन, ठीक है, सॉरी देन ऑफ मेन, यानी दया का जो भाव है वो इंसानों यानी मर्दों या पुरुषों की अपेक्षा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। तो यहां पर बात यही है भाई, देखिए एनिमल्स में तो दया की कोई बात ही नहीं है, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं उनमें दया और समझ का कोई फर्क नहीं होता, और बॉयज लड़के तो भाई हम हैं ही, वो हमारा भौकाल ही अलग होता है, किस बात की दया और किस बात की खुदगर्जी। यानी जो दया का भाव होता है वो सबसे ज्यादा पुरुषों से अपेक्षा किसमें पाया जाता है, वुमेन्स में। तो यहां पर आप भर सकते हैं कि वुमेन यानी कंपैशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, यानी जो पुरुषों में या पुरुषों की अपेक्षा दया का जो भाव होता है वो महिलाओं में बहुत पाया जाता है। तो देखिए दो क्वेश्चन ही कंपैशन से रिलेटेड थे, यहां पर आपको ऐसे ही यहां पर एक चीज ढूंढना है, और उसके बाद देखिए मैं इसकी सबकी एक हिंदी भी बता रहा हूं इसी वजह से, जिससे आपको इसकी मीनिंग भी याद हो जाए। तो समझ गए, आप समझ गए होंगे कि दो तरह से इसी कंपैशन को पूछा कि भाई महिलाओं की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, तो वो है दया, और यहां पर फिर दूसरा पूछा गया कि दया का जो भाव मिलता है वो पुरुषों की अपेक्षा सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो है महिला यानी वुमेन में होता है। नंबर थर्ड यहां पर कि सोसाइटी रिक्वायर्स, यानी समाज को जरूरत है वुमेन ऑफ डिसिप्लिन, यानी महिलाओं के डिसिप्लिन माइंड, और डिसिप्लिन माइंड के अलावा समाज को महिलाओं से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या चीजें और वो चाहता है समाज जो महिलाओं के अंदर होने चाहिए। तो देखिए रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना,
तो भाई यहां पर तो कोई क्वालिटी की बात है नहीं कि रिटेन माने बरकरार रखना, ठीक है। अगला है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है निहित यानी मिलाकर रखना। या लास्ट है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रित हुआ यानी कोई चीज अपने नियंत्रण में रखना या किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में रखना। तो सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स के अलावा क्या होनी चाहिए, रेस्ट्रेंट होना चाहिए यानी उनके अंदर नियंत्रण का भी भाव होना चाहिए। अच्छा दिमाग तो होना ही चाहिए, उसके अलावा उस दिमाग को नियंत्रण करने की भी क्वालिटी होनी चाहिए। रेस्ट्रेंट मैनर्स यानी सभ्यता या इक्वालिटी बिहेवियर के लिए आप कह सकते हैं। तो यहां पर क्लियर हुआ, तीन क्वेश्चन आपके सामने थे। पहला, नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। कंपैशन दया यानी किस पुरुषों से ज्यादा किस में होता है, तो वो महिलाओं में होता है। महिलाओं से आज समाज क्या चाहता है, डिसिप्लिन माइंड चाहता है और हर एक चीज यानी मैनर को भी वो अपने कंट्रोल में रखने, ये भी चीज एक समाज चाहता है। अगला है आई रीड, मैंने पढ़ा रिसेंटली बुक, एक किताब पढ़ी, विच स्पीक, जिस जो किताब बोलती है, किताब कहती क्या है, अबाउट द ऑफ वुमेनहुड यानी महिलाओं के प्रति। एक किताब किसी राइटर ने या किसी जो भी इसने लिखा, उसने इस किताब को पढ़ा और उसमें उसने पाया कि जो महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो अब कैसा होता जा रहा है, इंसानों का महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो कैसा होता जा रहा है। तो भाई यहां पर देखो, पहला वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। पर्पस यानी उद्देश्य और मैनर यानी आदर आदतें या सभ्यता। तो देखिए, महिलाओं का आज की डेट पर या रिसेंटली बुक पढ़े आप तो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि महिलाओं का जो या महिला जो वर्ग है उसका हमेशा क्या हुआ है, पतन हुआ है। तो डिक्लाइन करेंगे तो सबसे अच्छा वर्ड यहां पर आ जाएगा। तो आई रीड रिसेंटली बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। क्लियर हो गया कि उस बुक को पढ़ने पर मुझे ये समझ में आया कि महिलाओं का क्या हो रहा है, आज भी पतन हो रहा है या पतन धीरे धीरे अपने चरम स्थिति पर है। लेकिन आज के टाइम ये किताबें जब लिखी गई, ये जब लेसन लिखे गए तब टाइम कुछ अलग था। आज यहां पर देखिए हर तरफ महिलाओं का दबदबा है, हर तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये चीजें पुरानी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पुराना हो सकता है, लेकिन हम इस पर पूरी तरह से नहीं कह सकते कि आज महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही है। नेक्स्ट है फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से कुछ सालों से वी आवर वुमेन फॉक, हम अपनी महिलाओं को क्या कर रहे हैं। तो देखिए नेग्लेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षित करना, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्मानित करना, या बीफूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना, या इंसल्टेड का मतलब होता है अपमानित करना। तो वास्तविकता है कि कुछ सालों में, कुछ शताब्दियों में, कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारी महिलाएं क्या हो रही हैं, हर जगह से उपेक्षित हो रही हैं, कोई भी चीज उनको बराबर नहीं मिल रही है। लेकिन आज भी मैं फिर कहता हूं कि वो दौर बदल चुका है जब ये सारी चीजें थी। आज नेग्लेक्टेड नहीं है महिलाएं, आज अपने पैरों पर खड़ी है, अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। तो ये पांच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अभी इसमें पांच छह क्वेश्चन और भी हैं जो मैं आपको करा देता हूं, आपके पेपर के लिए 100% सॉलिड है ये सब। आएगा तो ये आपसे बचेगा नहीं, ये मुझे भी पता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला है नंबर सिक्स है कि इफ यू डोंट हैव, अगर तुम्हारे पास नहीं है, यू आर नॉट वुमेन, तो तुम महिला या औरत नहीं। तो भाई तुम्हारे पास क्या नहीं है पहले वो देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम महिला या औरत नहीं। कंपैशन यानी दया नहीं है तो तुम महिला या औरत नहीं। स्वास्थ्य नहीं है सही तो बी और मनी। तो यहां पर चार मैंने चार ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास अगर दया का भाव नहीं है तो इसका मतलब तुम क्या नहीं हो, महिला या औरत नहीं। ऐसा कहा जाता है कि भाई महिलाओं में सबसे ज्यादा दया पाई जाती है, तो इसका मतलब है नेचुरल क्वालिटी है इंसानों या मतलब पुरुषों से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप महिला नहीं। समझिए बात, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज, जो पुराना पारिवारिक सिस्टम था, इज इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, आज की कंडीशन को देखते हुए उस पर क्या होना चाहिए,
तो भैया अडेप्टिंग होना चाहिए, अडेप्टिंग का मतलब होता है बदलना चाहिए, अपोजिंग होना चाहिए उसका विरोध होना चाहिए, शूटिंग होना चाहिए जैसे शूट करता है ठीक है, कॉम्पिटिंग है यानी वो लगातार कंपटीशन में है। तो भाई पुराना और जो फैमिली सिस्टम था अब वो क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, तो अडॉप्टिंग होना चाहिए। तो द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ, तो मतलब खुद अपने आप में ही बदल जा रहा है। लोग आजकल ज्वाइंट फैमिली कहां रहते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत नौकरी लगी इधर उधर हट लिए, ऐसा होता है। महिलाओं को औरतों को भी भाई सास ससुर की सेवा न करनी पड़े तो वो भी थोड़ा सा भागती रहती है। खैर पहले का सिस्टम ही कुछ सही था, पहले लोग परिवार होता था, परिवार में बाबा दादा होते थे, वो बच्चों का ख्याल रखते थे, तमाम तरह की चीजें होती थी। आज माँ बाप है और मोबाइल है, बच्चा रोने लगा तो मोबाइल दे दिया, बच्चा खुश, फिर वही बच्चा मोबाइल का कीड़ा बन जाता। नहीं पहले आज का बच्चा सिर्फ गाने गाने सुनाओ उसको, बढ़िया मूवी सुन दिखाओ तो वो मानता है। पहले बाबा जादे थे तो वो ABCD और काका काका पढ़ाते थे, खूब अच्छे से उसके अच्छी शिक्षा देते थे। आज अपने आप में वो बदलता जा रहा है। खैर कर कह सकते मैं चिंतित हूं कि हमारे महान शुड बी स्टडीड कंडीशन, हमारे महान स्कॉलर को, क्लासिक्स को, राइटर्स को, पोएट्स को शुड बी स्टडीड कंडीशन यानी आज की कंडीशन को समझना चाहिए। तो भाई हमारे महान कौन, विद्वान, परिपक्व लेखक, राइटर या पोएट किसको समझना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है क्लासिक्स शुड बी, ग्रेट क्लासिक्स होना चाहिए यहां पर, ठीक है। ग्रेट क्लासिक्स, क्लासिक्स का मतलब होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पारंपरिक लेखक जो होते हैं यानी जो हमेशा से लिखते आए हैं, हर तरह से चीजें लिखते हैं, वो आज भी क्यों इसके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे कि महिलाओं में भी आगे, महिलाओं को भी बढ़ने आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उन पर लेख लिखे जाए, क्योंकि विद्वान तो अपनी अलग अलग चीजों में रहते हैं। लास्ट है यू आर लिविंग इन एन एज, तुम एक ऐसे युग में रह रहे हो वेयर देयर आर ग्रेट, जहां आजकल बहुत ज्यादा डेंजर है, अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉफिट है या प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं के सोशल वर्क के लिए या महिलाएं सोशल वर्क कर सके इसके लिए बहुत सारे क्या है आजकल अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है यानी बहुत सारे अवसर हैं जो महिलाएं चाहे तो सोशल वर्क कर सकती हैं या महिलाओं के लिए सोशल वर्क किए जा सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये आपका था आज का जो लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, कल या परसों ये एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने सीधे मॉडल पेपर पे आएंगे और मॉडल ही मॉडल होगा आपके लिए, टोटल मॉडल एक्सरसाइज मॉडल पेपर ही करवाऊंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।